नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस के जूनियर 30 पर। आइए हम द्विघात समीकरण को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर के एंड की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है जो कि RS रवाल का है, बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे और उसके बाद आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्या कह रहा है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मूल इसका अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कैसे मान निकालेंगे? तो इसके लिए थोड़ा सा इमेजिंग करेंगे फॉर्मूले का। क्या कह रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अगर टू अल्फ़ा इंटू बीटा कर लें तो यही मान आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे ये कट के इतना होगा। तो आप इसका फॉर्मूला जान रहे हैं, इसको घटाइएगा तो ये आएगा। तो फॉर्मूला तैयार हो गया। अब कैसे बनाना है? तो इसका क्या मान लिखेंगे यहाँ पर? तो अल्फ़ा इन प्लस बीटा एक फार्मूला बताए थे हम पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, ये ध्यान देना है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए। ये दो फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये दोनों चीज़ बन जाएगा। अब क्या कह रहा है? अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर और टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यानी सी बाय ए। और C क्यों लिख रहे हैं? C की जगह केवल C है, B की जगह B है, A की जगह A है। अगर दूसरा मान रहता तो हम भी दूसरा मान लिखते, क्योंकि से फॉर्मूला से भी यही आता है, ए बी सी इंडिकेट कर रहा है और वहाँ भी लिखा हुआ है, इसलिए वही लिखाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टू सी ए हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? ए क्यू आएगा। अब ए स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो ए क्यू आएगा, तो यानी एक बार लगेगा, एक बार बचेगा तो क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से लग गया तो ये हो गया। अब माइनस इससे ए से डिवाइड करेंगे दो बचेगा, दो टू ए बचेगा, यानी टू ए स्क्वायर सी बचेगा। ये हो गया, सारा गुना हो गया। अब ये हाँ ध्यान से देखेंगे कि क्या बच रहा है, ऐसे ही चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर होगा, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा वन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा। अब ये ए से डिवाइड करेंगे तो ये वाला ए कट जाएगा, यानी केवल ए बचेगा, तो टू ए सी हो जाएगा। इस टाइप से हम ऑप्शन में खोजना प्रयास करेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आप वाच कीजिए, तो लास्ट नंबर ऑप्शन मिल रहा है जो ये कि कंप्लीट हो गया। तो कहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, तो बहुत ही सरल है, तुरंत आंसर मिलता है, इसलिए आपको बड़ा मैथ देख के घबराना नहीं है। ये आगे पढ़ते हैं अगले सवाल। आइए 16 नंबर मैथ को बनाते हैं। इसमें भी वही चीज़ लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, मूल अगर मूल इसके अल्फा बीटा हों तो इतना का मान निकालना है। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए कि इसमें क्या है, तो इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहला काम इसका एलसीएम लेंगे जो कि आपको निकालने दिया हुआ है। तो एलसीएम आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर में क्या लिखाएगा? अगर बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल तो ये अल्फ़ा क्यू हो जाएगा और बीटा क्यू हो जाएगा। अब हम देखते हैं हमको इसका मान निकालना है, तो ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला को लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस थ्री अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। ऊपर वाले का हम फॉर्मूला लिख दिए, नीचे वाले को उतार दिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा इसलिए उतार दिए। अब हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है इसका मान लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए का होल क्यू माइनस थ्री, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस बी बाय ए
सबका मान हम तैयार कर दिए, लिख दिए। अब यहाँ पर लिखेंगे इसका मान अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, तो सबसे पहला काम हो जाएगा बी क्यू और ए क्यू माइनस, इस सबको गुना करेंगे तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, तो थ्री बी सी बाय ए स्क्वायर बाय सी बाय ए, ये हो जाएगा। अब ऊपर वाले का हम एलसीएम लेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, ए क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी क्यू प्लस ए स्क्वायर है, डिवाइड करेंगे तो ए बचेगा, यहाँ पर थ्री ए बी सी लिखेंगे बाय, ये जो नीचे वाला है इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए बाय सी। अब ये ए जो है स्क्वायर के साथ कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर बच जाएगा, ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर बचेगा। अब हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इस जगह लिखते हैं ताकि आपको दिखाई पड़े क्या लिखा हुआ है, थ्री ए बी सी को आगे कर देंगे, माइनस बी क्यू लिख देंगे, नीचे क्या बचा ए स्क्वायर सी बचा, ये ऑप्शन में मिलाएंगे, यही आपका आंसर होगा। कहीं पर है तो मिला लीजिए, ए स्क्वायर सी देखिए यहाँ पर मिल रहा है, बी क्यू तो बी क्यू ऑप्शन में, एक मिनट ऑप्शन हम देख लेते हैं बढ़िया से, यस बी क्यू है और आपका यहाँ पर बी क्यू है, तो ये मैच कर जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। तो इस टाइप से आप एकदम बिल्कुल ही सरल तरीके से बना सकते हैं, ये लंबा मैथ है, एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे मैथ को रेलवे में पूछा जाता है, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड टाइप के मैथ हैं, अगर आप एसएससी का जॉब चाहते हैं तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एसएससी 2007 में पूछा था, एसएससी 2007 में पूछा था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला मैं देखते हैं क्या, आइए दिया हुआ है क्या, एक द्विघात समीकरण 70 नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा इस प्रकार कहें कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का मान दिया हुआ है, तब ये समीकरण क्या होगा, तो समीकरण कैसे बनाएंगे ये निकालना है आपको। अभी सबसे पहला काम करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 24 और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर दिया हुआ है 8, इसको सॉल्व करेंगे, समीकरण को सॉल्व करेंगे, तो ये बीटा बीटा कट जाएगा, अगर हम इसको 2 अल्फ़ा बराबर लिखते हैं तो 32 होता है, ये भी कट जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 16, और उसी प्रकार बीटा का मान लिखेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 24, तो यहाँ पर 16 प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 24, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 8। ये दोनों मान हम जान गए कि अल्फ़ा का मान 16 है, बीटा का मान ये है। अब समीकरण बराबर लिखेंगे, समीकरण बराबर होता क्या है, समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण बराबर होता है, यही ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये ध्यान दीजिएगा बराबर जीरो, यही समीकरण इसी पर सेट करते हैं तो समीकरण बनता है। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर गुना कर लेंगे 8 16 इंटू 8 एक्स, अब प्लस यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सॉरी प्लस करना है, यहाँ पर एडिशन का सिंबल देंगे, ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 8 हो जाएगा बराबर जीरो। अब इसको जोड़िए क्या होगा, एडिशन कीजिए, एक्स स्क्वायर 24x और प्लस 16 क्या हो जाएगा 16 8 128 28 से, है ना, अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो समझ गए होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। यही समीकरण का निर्माण हुआ जो कि एकदम इजी बनता है अगर आप इस फॉर्मूले को याद रखते हैं, तब ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ अल्फा बीटा का मान निकाले हैं, उस पर सेट किए हैं तो आंसर आया है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, मैच कर रहा है, बी है सी है डी है, इस टाइप से ऑप्शन में जवाब आप दे सकते हैं। और आइए उसके बाद वाले मैथ को देखते हैं जो कि बहुत ही
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि x प्लस 8 इक्वल टू माइनस 15 बाय x कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो x का मान निकालना है। सबसे पहला काम ये वाला x को अगर हटाएंगे तो यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई होगा, उसी को हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, x प्लस 8 करेंगे बराबर माइनस 15 करेंगे, ये लिखेंगे। अब हम आगे क्या बढ़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x बराबर माइनस 15। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस इधर आएगा तो प्लस 15 हो जाएगा और उधर कुछ नहीं बचेगा, तो जीरो आप लिख सकते हैं। इसके बाद इसको ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने से तो 8 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने से 15 आए। 5 और 3 का ले सकते हैं अंक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से आप 5 3 8 हो जाएगा और 5 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब क्या कर सकते हैं, आप x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 हो जाएगा बराबर जीरो। जब ये दोनों देखिएगा कि सेम है तो आप समझ जाइए कि मैथ आपका सही दिशा में जा रहा है, बिल्कुल आंसर मिलेगा। तो इस दोनों में से एक को लिखना है बढ़िया से। अब क्या करेंगे, x प्लस 3 लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। x प्लस 5 इक्वल टू जीरो तो x बराबर माइनस 5 होगा और x प्लस 3 इक्वल टू जीरो तो x बराबर माइनस 3 होगा। यही आपको मैच करना है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है देख लीजिए, दोनों माइनस ए नंबर ऑप्शन होगा। इस टाइप से आप बिल्कुल सही दिशा में सीख सकते हैं, मैथ को आसान तरीके से सीख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, आइए अगले मैथ को देखते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू जीरो के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं, तो अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। तो किसका मान निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। इसका क्या फॉर्मूला है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता क्या है। तो एक बार और देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये फॉर्मूला है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाय ए, ये ध्यान दीजिएगा, दोनों फार्मूला है, दोनों को याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को बनाने के लिए। अब क्या है, तो यहाँ पर माइनस देखिए बी बाय ए, तो बी के जगह क्या लिखा हुआ है, तो सिक्स लिखा हुआ है, माइनस सिक्स बाय क्या हो जाएगा ए, ए के जगह लिखेंगे वन, और प्लस टू इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है सी बाय ए, सी का मान 6 है और यहाँ पर फिर ए का मान 1 लिखेंगे। आइए देखते हैं क्या होगा, ये माइनस वाला को माइनस यहाँ से उतार लेंगे और यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये हो गया 36 और ये 12, दोनों को माइनस करेंगे 24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में है। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का हल अगर आपको जानना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, एकदम बेस्ट और छोटे तरीकों को सीखिए, और एक से एक ट्रिक है हमारे वीडियो पर। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।